जैसे कि कल रक्षाबंधन है तो मैं खीर के लिए जो है चावल यहाँ पे भिगा रही हूँ, और इनको भिगा के मैं रात को ही रख दूंगी ताकि मॉर्निंग में मुझे कोई दिक्कत ना हो, चावल भीगे हुए मिले तो खीर अच्छे से बन जाए। और साथ ही मैं कल छोले बनाऊंगी तो उसके लिए छोले भी मैं यहाँ पे भिगाने के लिए रख देती हूँ रात को ही। तो ये दोनों चीज़ें मैंने भिगा ली है रात को ही। मुझे पता है ना सानू, कैसे। ये सानू सानू, अरे सानू रुक जा यार तू। यहाँ तो कैसे यहाँ से, और मेहंदी को तो मुझे लगा बहुत सारे लगा लो यहाँ यहाँ। बता दो कल रक्षाबंधन है, मुझे इसलिए गाइस मैं रक्षाबंधन की मेहंदी ले आ रही हूँ। कौन लगा रहा है आपके ऊपर मेहंदी? किसने लगाया आपकी हाथों में मेहंदी? और ये देखिए मेहंदी लग चुकी है, बच्चे सो गए थे, सानवी सो गई थी तभी जाके मेरी मेहंदी लग पाई है, अदरवाइज मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था सानवी के साथ। और प्रिशा मेरा फुल सपोर्ट कर रही थी, प्रिशा सोई नहीं है, प्रिशा के पापा सो गए थे तो मैंने लगाई है यहाँ पे मेहंदी। और मेहंदी लगाना रक्षाबंधन में शुभ माना जाता है बहनों के लिए, तो मैं हर साल जो है रक्षाबंधन में मेहंदी जरूर लगाती हूँ अपने हाथों में। तो फिर मिलती हूँ आपसे रक्षाबंधन की मॉर्निंग में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और मैंने कर ली है भगवान जी की पूजा, यहाँ पूजा की राखी मैंने भगवान जी पे चढ़ा दी है, और खीर और घेवर के प्रसाद से लगाया है मैंने भगवान जी को भोग। और ये देखिए ये है मेरा ब्रदर, ये दिल्ली रहता है तो अभी मॉर्निंग में ही पहुंचा है, और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे खीर। और ये पहना है मैंने येलो कलर का लहंगा आउटफिट, तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। और रक्षाबंधन की तैयारी हो रही है, खीर बन चुकी है, छोले मैंने बना लिए हैं, तो सबसे पहले राखी मैं भैया को पहना देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी भाई जो है मेरे पास आया है, और मोस्टली छोटा वाला ब्रदर जो है कभी दिल्ली में कभी देहरादून में जब मेरे साथ रहा है, हर साल राखी के त्योहार पे वो मेरे साथ रहा है। और बड़ा ब्रदर तो खैर घर पे है तो इसलिए उसको वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो ये हम लोगों ने मना लिया है रक्षाबंधन का त्यौहार। और सानवी पे लगा रही हूँ टीका, और हस्बैंड पे भी लगा लेती हूँ, बच्चों पे भी लगा लेती हूँ। और प्रिशा की मामी ने भेजी है प्रिशा के लिए राखी, तो डोरेमन की राखी जिसमें लाइट होती है वो राखी पहन के प्रिशा हो रही है बड़ी खुश। तो भाई की बीवी नहीं आ पाई क्योंकि इससे छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए भाई आया है, बाद में वो आएगी कभी छुट्टी लेके। और यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग नाश्ता, नाश्ते में पूरी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो छोले पूरी और खीर ही मैंने बनाया है मॉर्निंग में। वैसे जो पूरी बनाता है उसको ना पूरी की महक से गैस चढ़ जाती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है, तो सर में जो है इससे गैस चढ़ जाती है और खाना खाने के टाइम पे पूरी खाई नहीं जाती है, लेकिन त्योहार का टाइम है तो पूरी बनाना तो बनता है, हलवा पूरी कुछ बनाओ तो अच्छा लगता है घर पे। और कहते हैं कि तेल की जो हवा है वो उड़ा देनी चाहिए, ये भी शुभ होती है, तो कुछ तेल का चौका मारना यानी कि पूरी पकौड़ी बनाना अशुभ माना जाता है बहुत ज्यादा। Hey guys, good evening. Welcome back to my channel, Pooja Loving Vlogs. और फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैं आप लोगों से मिल नहीं पाई काफ़ी देर से, और शाम हो गई है क्योंकि भैया आया हुआ था तो इस चक्कर में बहुत सारे काम हो गए थे। और आप लोग बताइए आप लोग का रक्षाबंधन कैसा रहा? और अभी भैया यहीं पे है घर पे, और ये देखिए मेहंदी हाथ पे लगाइए, मेहंदी कल रात को लगाई थी और इतनी अच्छी है। और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, पनीर जो था 2-3 दिन पहले का पड़ा था, थोड़ा सा इसका हल्का सा खट्टापन था, तो मैंने पनीर को फिलहाल किया है फ्राई, और इसकी मैं बनाऊँगी पनीर की शाही पनीर मैं बना रही हूँ, और रोटी बनाऊँगी शाही पनीर बनाऊँगी, और खीर मैंने मॉर्निंग में बनाई थी जैसा आपने देखा है, और शाही पनीर जो है मैं कुछ अलग स्टाइल से बनाऊंगी। स्टाइल से क्या, मैं कम एफर्ट डालूंगी क्योंकि जो शाही पनीर मसाला है वो मैंने लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये शाही पनीर मसाला है, और ये इसका मसाला, इसको मैं 250 ग्राम पनीर में आधा ही डालूंगी। और ये जो पनीर होता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मतलब मार्केट का जो पनीर है वो इसके आगे फेल है, जो मतलब हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं
उस पनीर से फार बेटर ही पनीर बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ प्याज टमाटर हम लोगों को डालना है इसमें, और बाकी ये मसाला डाल देना है, नमक इनफैक्ट इसमें भी नमक भी नहीं पड़ता है। तो इतना बढ़िया, इतना टेस्टी ये शाही पनीर खाने में होता है कि हर कोई आपको जरूर पूछेगा कि शाही पनीर कैसे बनाया। तो ये SDS का शाही पनीर है, वैसे हर जगह मिलता नहीं है, लेकिन SDS का अगर कहीं पे आपको शाही पनीर मसाला मिलेगा तो आप जरूर खरीदिएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि ये बहुत अच्छा बनेगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको ये बनाना होता है। तो कभी आपको ये मसाला मिल जाता है SDS का, तो आप इसे ज़रूर खरीदिएगा। दोबारा से बोल रही हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। प्रिशा सानवी जो है कर रहे हैं अंदर कमरे में मस्ती, प्रिशा का कल स्कूल है और होमवर्क हो चुका है, तो वो आराम से कर रही है मस्ती, टीवी देख रहे हैं, और हस्बैंड और भाई मेरा बैठे हैं दूसरे कमरे में। तो बस यही चल रहा है, रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा। और आप लोग बताइए, आप लोग का रक्षाबंधन कैसा रहा, क्या क्या किया, क्या क्या गिफ्ट मिले आप लोगों को? तो ये पनीर जो था ये 2 दिन से ला के रखा था, और ये पनीर जो है थोड़ा सा खट्टा सा लग रहा था, वैसे स्मेल करने में बिल्कुल सही था, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, तो थोड़ा सा खट्टापन इसमें था। तो मैंने सोचा कि आज इसे फ्राई करके मैं बनाती हूँ, तो इसको मैं इसलिए फ्राई करती हूँ, अदरवाइज मैं इसे फ्राई नहीं करती इस मसाले के साथ बनाने के लिए, तो इसको मैं इसलिए ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन है, और जैसे कि बरसात के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा लगता है कि यार कहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसके लिए प्याज टमाटर और एक मिर्च मैंने काटी है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं इसमें डालूँगी, तो इसलिए इसको मैं अच्छे से मिक्सी में चला लेती हूँ ताकि इसका पेस्ट बन जाए। फ्रेंड्स, अभी चली गई थी लाइट और दोबारा से मैंने किया है कैमरे को ऑन, और ये पेस्ट मैंने बना लिया है। तो इसमें मैं ये मलाई जो है अब ऐड करूँगी, जैसे मैंने पेस्ट डाल दिया है इसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्च का, और इसमें मैं ये मलाई डालूँगी और ये भून लूँगी पहले। यहाँ पे इसमें मैंने मलाई डाली है, थोड़ा सा टमाटो सॉस डाल के, और इसमें दूध मैंने डाला है, 2 कप मैंने दूध डाले हैं इसमें, और ये मैंने मसाला ऐड कर लिया है SDS का, और ये देखिए, और इसमें देखिए आप मैंने कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं, और ये हो गई है तैयार शाही पनीर की सब्जी, खाने में जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो डिनर में बनाया है मैंने शाही पनीर की सब्जी और रोटी। तो फ्रेंड्स, बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए, और मेरे चैनल पूजा रियल टाइम ब्लॉग्स को जरूर से सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे लाऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।